हैदराबाद के सादान अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के साथ साथ डॉक्टरों का अपने ही पेशेंट के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सोचिए जरा, अगर जान बचाने वाला डॉक्टर ही जान लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा। हम आपको बता दें कि मोहम्मद हाकिम नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र 58 साल बताया जा रहा है, उसे सादाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित मोहम्मद हाकिम को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसे सादान अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। बताया जाता है कि डॉक्टर द्वारा पीड़ित मोहम्मद हाकिम का इलाज सही तरीके से ना होने पर जब उन्होंने डॉक्टर को टोका, तो इस पर मरीज और डॉक्टर के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने मरीज मोहम्मद हाकिम के चेहरे पर घूसों की बरसात कर डाला। डॉक्टर यही नहीं रुका, उसने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर मरीज मोहम्मद हाकिम को अस्पताल के बाहर निकलवा दिया। इसके बाद उन्होंने नरसिंघी पुलिस थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद वो अपने बेटों को बुलाकर उनके साथ दूसरे अस्पताल में एडमिट हुए। अब पीड़ित मोहम्मद हाकिम का कहना है कि जब मैं नरसिंघी थाने में कंप्लेन करने गया था, तब उस वक्त मेरे साथ कोई भी पुलिस का कर्मी मामले की जांच करने के लिए नहीं आए और ना ही अभी तक किसी ने कोई इस मामले में एक्शन लिया है। साथ ही नरसिंघी पुलिस उन्हें थाने में स्टेटमेंट देने के लिए बुला रही है। आइए देखते हैं पीड़ित का क्या कहना है। हैदराबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हकीम है, मैं लंगर हाउस में रहता हूँ। मुझे शुगर, BP सब है। अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से शादान हॉस्पिटल गया। इसलिए गया कि वहाँ पे इलाज अच्छा होता बोल के सुना था मैं, वहाँ पे गया। जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला पलंग पे लेट जाओ। लेट गया। लेटने के बाद मैं रुका, किया मेरा शुगर टेस्ट किया। शुगर टेस्ट करने के बाद बोला अरे 450 है, बहुत है। बोला हार्ट अटैक साहब, बहुत कमजोरी है मेरे को। फिर उसके बाद क्या करा, BP चेक करा, रही ये भी बहुत है बोला। तो मैं बोला अटैक साहब, मेरी बहुत कमजोरी हो गई, कल से खाना नहीं खाया, मेरे को ग्लूकोज भी चढ़ा दो डॉक्टर साहब, पूरा ट्विच बोलता रे। बोला बोला बात तमीज से कर, बोला बात तमीज से करो, अच्छी बात नहीं हो तो पलंग पे लेटा हुआ हूँ, उठने जा रहा हूँ, मारा फैक्ट। अगर मैं एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो आप CCTV कैमरा दिखा लो, अगर मेरी गलती। उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी वाले इतना बुरा, मैं ठहरने के काबिल नहीं हूँ, मेरे को इतना बुरा ढकल के 8-10 जने ले आके बाहर ढकल दिए मेरे को, पेट में इधर उधर भी मारा लगे मेरे को। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं दवाखाने को गया या कहीं तो भी गलत जगह चलेगा। मैं शादान हॉस्पिटल को जाके मैं बहुत पछताया, इतनी बुरी मेरे साथ इतना बुरा सलूक होगा मैं सोचा भी नहीं। भाई मैं अभी भी तकलीफ में हूँ, फाइट की आँख पे फाइट मारा, पलंग पे लेटा हुआ ही हूँ, उठने जा रहा हूँ, फाइट मारा है। वजह क्या है मारने की? भाई मेरे को उन्हें ये पूछा, मैं उसको क्या बोला, डॉक्टर साहब मेरे को वीकनेस बहुत है डॉक्टर साहब, मेरी एज 58 ईयर्स है डॉक्टर साहब, मैं तो वीकनेस से थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा दो बोलता हूँ, पूरा तुझ बल तारे। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम नहीं मालूम। कहाँ थे? हॉस्पिटल में काम पे थे, इमरजेंसी में ठहरा हुआ था। मेरे को ले आके लिटाया, देखा शुगर वेटेस का, तो इसके बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। मैं सीधा वहाँ से मैं बोला मेरे बेटों को फ़ोन करा था, मेरे बेटे कार ले लेके आए, मैं ऑटो से गया था इमरजेंसी में, कार ले लेके सीधा मैं नरसिंघी PS हो गया। नरसिंघी PS में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कांस्टेबल मेरे साथ नहीं आया, मैं खुद मेरे बेटों को बुला लेके कार में बैठ के हॉस्पिटल में आया, एडमिट हुआ, गिरते पड़ते। अब SI साहब मेरे को फ़ोन करके ये बोल रहे कि पुलिस स्टेशन को आओ, बयान लेना है। तो अरे पेशेंट आदमी पुलिस स्टेशन को जाके बयान देंगे या SI मेरे पास आके बयान लेना है, मेरे साथ ऐसा जुल्म वाकया, मैं मुसलमान हूँ बोल के हुआ ये नहीं मालूम। फिर मेरे को वो डॉक्टर कौन है, मेरे को क्या है नहीं मालूम। ठीक,